जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम अशोक बेस्ट हेल्थ केयर के मंच पर हैं अपने सभी अभ्यर्थियों के साथ में, ऑपरेशन के बाद में, और अभ्यर्थी जिनके ज़्यादातर अभ्यर्थियों के ऑपरेशन हो चुके हैं और डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, और डिस्चार्ज से पूर्व हम बात करना चाहेंगे उन सामान्य बिंदुओं की, चर्चा करने जा रहे हैं ऑपरेशन के बाद कान की रखरखाव और देखभाल के बिंदुओं पर। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा कि सर पट्टी को कब खोल सकते हैं और पट्टी कैसे खोली जाएगी। तो जो कान का ऑपरेशन है, दूरबीन पद्धति द्वारा जो कान का ऑपरेशन है, इसमें पट्टी की क्या महत्ता है, हम उस पर भी गौर करेंगे, और पट्टी कहाँ की गई है इस पर भी हम दिखाएंगे। एक बार अभिषेक जी घूम जाइए, इस तरफ घूम जाइए। हम देख सकते हैं इस पट्टी का कान के पिछले हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीरा कट्टा का निशान नहीं है। ये पट्टी सिर्फ कान के जो प्राकृतिक छेद है उसको कवर करने के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये पीछे से कवर नहीं करती है, खुली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो इस प्रश्न की पट्टी कैसे खोलनी है या करनी है, इसके लिए लगभग 10 दिन बाद में स्टराइल प्रिकॉशन, साफ सफाई के साथ में पट्टी घर पे हम खोल सकते हैं। हाथ अच्छे से साबुन से धो लें, प्रेशर कुकर में या पतीले में कॉटन उबाल लें, उसे निचोड़ करके ठंडा करके कान साफ़ कर लेना। ये माइक्रोपोर टेप हट जाएगा, और इसे हटाने के लिए क्या करना है, हाथ आपने धो लिए साफ़ करके, इसे धीरे धीरे करके टेप को हटा देना है। कान के छिद्र पर एक ऐसा रोलर बैंडेज रखा होगा जो बीटाडीन ऑइंटमेंट युक्त होता है, वो ऐसे रख करके छिद्र पे रखा होगा। उस खास तौर से इस रोलर बैंडेज को जो कान के छिद्र पर टाइट से पैक किया हुआ है, इससे 10 दिन के बाद हटाना है। इसे जल्दी हटाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो जिन लोगों को पहले ज्वाइन करना है अपने ऑफिस में, कुछ लोगों की कंसर्न था कि मुझे 3 4 5 दिन पे ही ज्वाइन करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस बड़ी पट्टी को हटा सकते हैं, ये यात्रा के दौरान संक्रमण से बचाता है, दूसरा कान को प्रोटेक्ट करता है, ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग हाइट साइड को भी कवर करता है ट्रॉमा से, और सपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा अगर जल्दी है, जैसे आपके केस में जल्दी है, आप जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसे आप हटा करके और आप ज्वाइन कर लीजिए। कान के छिद्र पर ये जो अंदर पैकिंग है उसे आप रहने दीजिएगा, उसे 10 12 दिन पे आप आराम से हटा लीजिएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एक बार सब अपना संक्षिप्त में विवरण देंगे। सबसे पहले हमारे साथ में हैं विजय कुमार जी, बलिया उत्तर प्रदेश से। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर मैं उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाला हूँ। जी विजय कुमार जी, आपकी तकलीफ में आपको अब कितना आराम है? अभी सर तो बहुत राहत है, अभी अच्छा महसूस कर रहे अच्छा हैं। महसूस हो रहा है। आपके दोनों कानों का एक साथ एक्सप्लोरेटरी टिम्पेनोटोमी किया गया, ऑटोस्क्लेरोसिस था, उसके लिए सर्जरी की गई है, और हमें पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लाभ मिलेगा, या अच्छा लाभ मिला है। ठीक है, और साथ में हैं हमारे महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी वन दरोगा हैं, और आपका जो है अस्थियों का नवनिर्माण किया गया है, साथ में पर्दे का नवनिर्माण किया गया है, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बढ़िया सर महसूस हो रहा है अपने बारे में एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। सर। मैं फतेहपुर यूपी से। जी तो आप हमारे लिए सम्मान की बात है, आप हमारे केंद्र पर आए, आप पुलिस परिवार से हैं, और पुलिस और सेना परिवार से जब हमारे पास अभ्यर्थी हमारे बीच में होता तो हमारी टीम के सदस्यों का मनोबल और बढ़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ में है अभिषेक जी। अभिषेक जी अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं बिहार औरंगाबाद जिले का हूँ। जी बहुत बढ़िया, और आप SSC GD के अभ्यर्थी हैं, एयरफोर्स। एयरफोर्स के, सॉरी, आप एयरफोर्स के अभ्यर्थी हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप आने वाली भर्ती में अपनी जगह बना लेंगे। आपके कान के पर्दे में छेद और सफ़ेद चकत्ते का ऑपरेशन किया गया है, वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, साथ में हैं विपिन कुमार जी, गाजी विपिन जी। विपिन जी हैं हमारे साथ में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। विपिन जी अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और गाजीपुर जिला से आया हूँ। जी विपिन जी, आपकी तकलीफ में आपको कुछ लाभ मिला? जी गुड, 100%। 100%। जी
आप 100% यहाँ किसी दबाव में न बोलें, आप मन से बोलें, आप मुझे 80% भी बोलेंगे तो भी मैं संतुष्ट हूँ, पर आपके केस में मुझे अगर 50% भी मिलता है तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ, और आपने ये 100% बोल दिया है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चैनल की प्रसिद्धि के लिए या अस्पताल की प्रसिद्धि के लिए नहीं, पर आपके केस में अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो ये ईश्वर की देन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए और अपने निर्धारित लक्ष्यों में जुट जाइए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप बहुत तेज हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड। और साथ में है आपका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, मृत्युंजय, आसाम से। जी जी, ठीक है। आपके दोनों कानों में बहने CSM की जटिल तकलीफ है और एक्सटेंसिव डिजीज़ है जिसके लिए अभी ट्रीटमेंट शुरू होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और साथ में परिजन हैं, मित्र हैं, आप अपना संक्षिप्त में अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, संक्षिप्त में वर्णन अपना परिचय दीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। अरविंद यादव जी, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, गाजीपुर से। जी, ऑपरेशन बहुत सही हुआ। अच्छा हुआ, आप संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का ऐसा मन में वो तो नहीं है कि हमारे पैसे खर्च हो गए हैं और इलाज नहीं हो पाया है, ऐसी कोई भावना तो नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, संतुष्ट हैं। ठीक है, ये आपका प्रयास है इस बच्चे के लिए कि ये आपने इतनी मेहनत की और आप यहाँ तक पहुँचे, और आप शायद दूसरी बार हमारे पास पाए, एक बार पहले विजिट करके गए और दोबारा आए और ऑपरेशन करवाया, तो आपने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, वो परिश्रम रंग लाया, आपकी प्रार्थनाएं काम आई। ठीक है, मेरा नाम अनिल सिंह जी, औरंगाबाद बिहार से। जी, मैं अपने बच्चों को ऑपरेशन करा कर बहुत खुश हूँ। जी, आप अब आने वाले समय में अपने बच्चे को एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में देखेंगे, ऐसा हमारा सपना है और ये सपना जल्दी पूरा होगा। ठीक है, आपने इतनी दूर से आप ट्रेवल करके जयपुर पहुँचे, परिश्रम किया, वो मेहनत रंग लाएगी। और अब हम, अच्छा, अभी विजय कुमार जी के साथी भाई सारथी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। हम विनोद कुमार राजभट्ट, यूपी के रहने वाले हैं, जी जिला। जी, हम अपने बड़े भाई को कान का ऑपरेशन के लिए आए थे। जी, दोनों कान का ऑपरेशन हुआ। जी, बहुत बढ़िया हुआ है। जी, आपने, मैं देख रहा था आप लगातार इनकी सेवा में लगे हुए थे, आजकल के भाइयों में ऐसा प्रेम स्नेह देखने को बहुत कम मिलता है, आप भाइयों के लिए एक अच्छे एक एग्जांपल है, तो ये भ्रातृत्व की जो भावना है ये बनी रहे, हमारी ऐसी दुआ है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी सेवा की अपने भाई की। और साथ में मित्रगण, मेरा नाम स्वरूप कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ, और मैं अपने एक दोस्त को लाया हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। गुड, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऑपरेशन के बाद सामान्य बिंदुओं की। अभिषेक जी, आप एक एक करके बिंदु बताइए। खुराक पूरी लेवी, ठंडी खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन ना करें। देखिए, हमारे ENT सर्जरीज में जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है नाक के जुकाम या राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं। हमें प्रयास करना है उन सभी चीज़ों से बचने का जो कि कोल्ड के कारण है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पदार्थ, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई पानी की बोतल। हमें सामान्य तापमान की सारी चीज़ें ले लेनी है, पर इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो उसको बढ़ा देती है और हमारे कान के वेंटिलेशन को बेकार करती है, और यूज्ड स्किन ट्यूब के डिसफंक्शन की वजह से वापस से हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसी उन सब चीज़ों से बचना है जिससे हमें जुकाम हो। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आँख के आसपास सूजन हो तो चिंता न करें, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी, पट्टी ढीली करवा लें। देखिए, ये जो पॉइंट है ये पुरानी सर्जरी के लिए है, जिसमें हम कन्वेंशनल मेथड से कान के पीछे से जा कर के घूम जाइए विजय जी, कान के पीछे से जा कर के हम यहाँ से एक बड़ा चीरा लगा करके ऑपरेशन करते थे, और उसमें क्या होता था कि जो प्रेशर बैंडेज की जाती थी, उस बैंडेज के दबाव की वजह से चेहरे पे सूजन आती थी। तो अब ये बहुत लूज़, जैसे कि आपने देखा बिल्कुल लूज़ ड्रेसिंग है, तो इसमें ऐसा सूजन वाला सामान्यतः नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य। यह भी चीरा वाली सर्जरी का एक बिंदु है, जो चीरे वाली सर्जरी किन्हीं परिस्थितियों में हमें करनी पड़ती है, तो उस स्थिति में एक स्वाद की नस जो कान के पास से गुजर रही होती है वो कट जाती है, सेक्रीफाई हो जाती है, तो उससे स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ अपने वाले केस में स्वाद में परिवर्तन कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में आएगा, वो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कान पर लगी पट्टी 10 दिन के बाद खोल दें। पट्टी खोलने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। पट्टी खोलने के बाद में आप मुझे फोटो भेज सकते हैं, फोटो भेजने के साथ मैं आपको आगे के लिए कार्यवाही बता दूंगा, ठीक है? ओके। ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। पानी से बचाव रखना जरूरी है क्योंकि कान के अंदर सीमेंटिंग सब्सटेंस रहेगा और गंदे पानी से, गंदी हवा से उसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो उसे बचाने के लिए कान को गीला होने से बचाना है वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप घर में जो भी उपलब्ध तेल है उसको साफ मेडिकल ग्रेड कॉटन में डिप करके नहाते वक्त कान में रख सकते हैं, ताकि पानी डालेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बाद में नहाने के बाद उस कॉटन प्लग को बाहर निकाल देना, अंदर नहीं रखना है, अंदर रखेंगे तो वो भी फंगस का सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन के 45 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना। जी बिल्कुल, देखिए वेट लिफ्टिंग के लिए, जर्क मैन्यूवर के लिए, आज मैंने मॉर्निंग में किसी को बताया था, जर्क करने के लिए हमें अच्छा प्रेशर जनरेट करना होता है, और ये जो प्रेशर है वो पर्दे पर ट्रांसफ़र होता है। तो हैवी वेट लिफ्टिंग, पुलअप, पुशअप, ये सब जो चीज़ें हैं ये 45 दिन के लिए वर्जित है, उसके बाद में कर सकते हैं। सामान्य एक्टिविटी, सामान्य ऑफिस एक्टिविटी, पढ़ाई, क्लास, कोचिंग, ये अगले दिन से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है, नाक की जोर से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी। कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना है जिसके अंत वजह से मुंह के अंदर पॉजिटिव प्रेशर यानी कि दबाव बने। खांसते छींकते वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ऐसी स्थिति में मुंह खोल लेना है, छींक आ रही है मुंह खोल लें, ताकि प्रेशर कान के पर्दे पर ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, कान के पर्दे पर ट्रांसफ़र ना हो, अगर ऐसा होगा तो फिर पर्दे पर नुकसान होने का डर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, पट्टी खोलने के बाद लाल रंग की पानी 1 महीने तक कान से आ सकती है। बिल्कुल, कान के अंदर जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, जेल फॉर्म है, वो घुल घुल के बाहर आता है, वो ड्राई होकर के वैक्स में कन्वर्ट होकर के बाहर आ सकता है, एक पूरा एक साथ निकल के आ सकता है, ये उसके तरीके हैं बाहर आने के। पर हमें ध्यान रखना, ऐसी दूसरी स्थिति बनती है कि बदबूदार कोई द्रव्य बनता है या जुकाम के साथ में कान से कोई पानी आता है, तो हमें रिपोर्ट करके हमें बताना है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कुछ बूंदे खून की खांसी के साथ आ सकती है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, कान का रास्ता गले के रास्ते से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन के कुछ शुरू के दिनों में गले में खरखार के साथ में, बलगम के साथ में ब्लडयुक्त द्रव्य आ सकता है। ठीक है, कफ रेड कलर का होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स ब्लड की गले में इकट्ठी हो जाती हैं, वो बाद में 1-2 दिन तक आ सकती है, वो नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने तक, तो 2 महीने बाद तक एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, एलर्जी टेस्ट करा करके हमें एलर्जन से बचने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ बचाव ही उपचार है। तो हमें पहचानना है अपनी एलर्जी को, और उसके लिए आजकल अपने सेंटर पे यहाँ टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट से हमें एलर्जी की बुक बन जाती है, और जीवन भर उस बुक को अगर हम फॉलो करें तो भविष्य में हमें राइनाइटिस और जो एलर्जिक राइनाइटिस वाली समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, तो अपना कान भी सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन रह सकता है, जो कि समय के साथ सही। सामान्यतः जो चीरे वाले ऑपरेशन है उनमें कान सुन रह सकता है, उनमें नस कट जाती है, क्यूटेनियस नर्व जो है वो कट जाती है, इसलिए उनमें अपने इस जो दूरबीन पद्धति है, ट्रांसक्रैनियल ट्रांसमिटल अप्रोच, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न आप जानना चाहते हैं? विपिन जी बताइए, कोई मन में कोई प्रश्न हो जी? मैं इंटर फाइनल यससी जी, पीएससी में वाले खाना एग्जाम देना, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, और 1-2 घंटे घूम सकते हैं। ठीक है, सामान्य एक्टिविटी सब कर सकते हैं जी, है ना? ठीक है जी, आराम से अच्छे से एग्जाम दीजिए। विजय जी, कोई प्रश्न आप जानना चाह रहे हैं, मन में कोई शंका? अभिषेक जी, नॉनवेज खाना? हाँ देखिए, नॉनवेज का बड़ा, नॉनवेज देखिए खाने से हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं,
पर बस वो कड़क वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको चबाने के लिए आपको अपने जबड़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, उसका भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप उसको सॉफ्ट बॉयल करके, सॉफ्ट करके खा सकते हैं, कम मिर्च मसाले के साथ खाएंगे तो दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। ठीक है, अभी तो जैसे 10 दिन से अभी मतलब सब्जी उब्जी खा सकते हैं, सामान्य सब्जियां सब खा सकते हैं, दाल चावल अच्छे से खा सकते हैं नहीं। हाँ देखिए, जो आपको 10 दिन के लिए दवाएं दी जा रही है, इसमें एनाल्जेसिक्स हैं, डाइक्लोफेनिक है, स्टीरोइड है, प्रेडनिसोलोन है, वाइसिलोन है, तो वो दवाएं जो है उनके लिए वो एसिडिटी करती है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एंटा एसिड टैबलेट भी दी हुई है। पर अगर हम बहुत स्पाइसी खाना लेंगे तो दवा की एसिडिटी, खाने की एसिडिटी दोनों मिलकर के अभ्यर्थी को परेशान कर देगी, तो फिर वो गैस्ट्राइटिस की वजह से बाकी दवाई नहीं ले पाएगा। गैस्ट्राइटिस से जो आमाशय का पीएच बदल जाएगा, तो जब एंटीबायोटिक उसमें जाएगा तो उसकी भी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस में पीएच का बड़ा रोल है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, इनसे बचना है। आप बाहर का आप खाना खाएंगे डायरिया हो जाएगा, एंटीबायोटिक कट में रुक नहीं पाएगा, तो फिर ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, एंटीबायोटिक का लेवल कम हो जाएगा, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ के पीछे बहुत लॉजिक है। अभी जैसे कि जूस वगैरह पी सकते, जूस नहीं पीना, बाजार का जूस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मेरी यहाँ के कंसेप्ट में, बाजार से जूस डिब्बा बंद खाना नहीं लेना है, हमें घर पे लाके पपीता फल जो भी खाना है लाके काट के खाना है साफ हाथों से, पैक फूड जूसेस नहीं पीने हैं। जूस पीने से सिर्फ ब्लड का शुगर बढ़ता है, वो बैक्टीरिया को चांस देता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हमने, वेरी गुड। आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाओं के बारे में आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रही यहाँ रुकने के दौरान, उपचार के दौरान? कोई ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए? सर यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी, हम लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं जी। व्यवस्थाओं में और सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ, सामान्य व्यवस्था है। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अमूल्य समय दिया, और अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपने अपना उपचार करवाया, आप यहाँ रुके, अपने समय दिया, परिजनों के साथ आए आप, आप सभी लोगों को मंगलमय सुखी समृद्ध जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।